यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम युवकों द्वारा गाय के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही हकीकत भी बयां कर रहा है जिले में गौवंश की सुरक्षा के प्रशासनिक दावे और वादों की। वीडियो में आमिर जान जोखिम में डालकर गहरे तालाब से गाय का रेस्क्यू करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो युवक आमिर को रस्सी की मदद से तालाब में उतार रहे हैं वो भी मुस्लिम समाज से बताए जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भले ही दावे करता हो कि छुट्टा मवेशी को गौशालाओं में हिफाजत से रखा जा रहा है, लेकिन गौरक्षा और गौशालाओं की हकीकत यही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आमिर, ये गाय फंस रही थी तो हमें दीगन हो यार, ये गाय फंसी पड़ी है, इसको निकलना है, कोई निकलने के आया नहीं था। हमने सोचे हमें गुज्जा में, तो भाई थोड़ा सा हमने सोचा चलो गहराई तो देखी जाएगी कितनी गहराई है, हम घुस गए। डर तो लग रही था मगर हमने सोची ना चलो गाय को निकालना है तो इस वजह से घुस गए, अच्छा लगा हमें तो। आपको बता दें कि सिकंदराबाद के मोहल्ला गोरखी में आज तालाब के भीतर एक गाय जा फंसी। जब लोगों ने गाय को ठंड में गहरे पानी में फंसा देखा तो गाय को बचाने के लिए लोग जुट गए और आमिर रस्सी के सहारे तालाब में घुस गया और गाय को सुरक्षित रेस्क्यू किया। मुस्लिम युवकों द्वारा गौवंश का रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।